Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to start the subject of history of Pakistan and India, and we will discuss all the topics of its outline one by one. So today the topics we are discussing is the Muslim rule and heritage in India. The Muslim rule in India spanned over a millennium, leaving a significant mark on the subcontinent history, culture, architecture and governance. Then the period from 712 to 1857 AD, the Saadi establishment of Islamic empires and the blending of the Indo-Islamic traditions and the development of the new administrative system that would shape the future of India. Barasagir Pako Hind ki jo Muslim tarikh hai, yani 712 se 1857 tak hum discuss karenge. Aur Barasagir mein jo Muslim hukmarani hai, wo 1000 saal se zyada arse tak qaim rahi, yani musalmanon ki hukumat. Aur isne is khitte ki tarikh, uski sakafat, uski fane tamir और जो तर्ज हुक्मरानी था उसके ऊपर काफ़ी गहरे असरात छोड़े, क्योंकि ये हुकूमत मुसलमानों की हुकूमत जो थी वो 1000 साल से भी ज़्यादा रही. तो इसी वजह से उसकी बरसगीर की तारीख सकाफत के ऊपर जो है इसके असरात नज़र आते थे. तो 712 से 1857 तक का जो दौर था वो इस्लामी सल्तनतों के क्याम का दौर था. हिंदू और इस्लामी जो रवायात थी वो आपस में मिली और नए इंतज़ामी निज़ामों की तरक्की का ये ज़माना था जिसने मुस्तकबिल के हिंदुस्तान को भी तश्कील दिया. सो हम इसमें देखेंगे मुस्लिम हुक्मरान की सियासी तारीख को, अहम हुक्मरान कौन कौन से रहे, सकाफती उनके कारनामे क्या थे और तर्ज हुक्मरानी पर उन्होंने किस तरह से तवज्जो दी बड़े सगीर के अंदर. सो पॉलिटिकल हिस्ट्री का अगर हम जायजा लें, यानी उनकी जो हिंदुस्तान की सियासी तारीख थी, यानी हिंदुस्तान में जो मुस्लिम हुक्मरानी का आगाज था, उसकी बुनियाद और फिर उसकी स्टेबिलिटी, उसका इस्तेकाम. तो हिंदुस्तान में जो इस्लाम का आगाज़ था वो 712 में हुआ था, जब उमर खिलाफत के दौरान मोहम्मद बिन कासिम आए थे और मोहम्मद बिन कासिम की क्यादत में जो है वो इस्लाम के यानी अहम मुस्लिम हमला उन्होंने किया था 712 में. और मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के हुक्मरान जो राजा दहर थे उनको शिकस्त दी थी और सिंध में मुसलमान हुक्मरानी कायम की थी. फिर मोहम्मद बिन जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन थी, यानी मोहम्मद बिन कासिम के जो उनके इंतज़ामिया थी, वो मकामी जो भी रस्म व रिवाज थे और दूसरे मज़ाहब थे उनके साथ उनके जो टॉलरेंस का यानी मुजाहरा उन्होंने किया और जो मुस्तकबिल के मुसलमान हुक्मरानों के लिए एक मिसाल बन गया. सो उनके लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट की कि बाकी जो मज़ाहब हैं और उनकी सकाफत है उनका किस तरह से एहतराम किया जाना चाहिए. फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत आई. दिल्ली सल्तनत जो 1206 से 1526 ईस्वी तक कायम रही और दिल्ली सल्तनत के क्याम ने जो शुमाली हिंदुस्तान था यानी नॉर्थ इंडिया, उसमें एक बड़े मुस्लिम सल्तनत का आगाज किया था. तो मोहम्मद जो गौरी थे उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को यानी दूसरी जंग जो ट्रेन जंग थी उसमें शिकस्त दी थी, जिससे शुमाली हिंदुस्तान में मुस्लिम हुक्मरानी का अरूज हुआ था. उसके बाद हम देखते हैं कि जो जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक थे उन्होंने 1206 में गुलाम खानदान की बुनियाद रखी थी, जो दिल्ली सल्तनत का पहला खानदान भी था. अब इस जो दिल्ली सल्तनत का पहला खानदान था ये बड़े पांच खानदानों के ऊपर मुश्तमिल था. देन एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ द सल्तनत. सल्तनत की तौसी किस तरह से हुई और उसकी स्टेबिलिटी किस तरह से आई. तो दिल्ली के जो सलातीन थे वो शुमाली उन्होंने जो हिंदुस्तान था उनके काफ़ी हिस्सों के ऊपर कंट्रोल हासिल किया था और दरिया सिंध से बंगाल के मैदानों तक उन्होंने कंट्रोल हासिल किया. उसके बाद जो अलाउद्दीन खिलजी थे उन्होंने राजपूतों को शिकस्त दे दी थी और सल्तनत को काफ़ी हद तक उन्होंने वसी कर दिया था. सो उसके बाद जो है जो भी जनूबी हिंदुस्तान को फतह करने की भी उन्होंने कोशिश की. देन डिक्लाइन ऑफ द दिल्ली सल्तनत. दिल्ली सल्तनत का जो है जवाल किस तरह से शुरू हुआ, तो ये 15th century में जो दिल्ली यानी कि दिल्ली सल्तनत थी इसका जो जवाल शुरू हुआ था 1526 में जो है वो बाबर के हाथों ये शिकस्त खा गया था, यानी जो तनाजात और हमले हुए थे जो दिल्ली के अंदर, यानी उसमें 1398 में तैमूर के दिल्ली के ऊपर हमले की वजह से ये कमज़ोर होने लगी थी. दिल्ली सल्तनत का आखिर हुक्मरान इब्राहिम लोधी 1526 में बाबर के हाथों उसने शिकस्त खाई थी, जिससे फिर मुगल सल्तनत का क्याम अमल में आया था. उसके बाद मुगल अम्पायर. मुगल अम्पायर वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल अम्पायर इन इंडियन हिस्ट्री. जो मुगल अम्पायर थी, मुगल सल्तनत, वो हिंदुस्तान की तारीख की सबसे बड़ी और ताकतवर सल्तनतों में से एक थी. बाबर का मुगल सल्तनत की बुनियाद रखना, उन्होंने बुनियाद रखी. बाबर जो थे वो तैमूर और इसके अलावा जो चंगेज खान थे
उनकी नस्ल से थे और उन्होंने पहली जो जंग थी पानीपत की यानी लड़ाई थी 1526 में इब्राहिम लोदी को इसमें शिकस्त दी थी और हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत की उन्होंने बुनियाद रखी थी। उसके बाद हम देखते हैं कि जो अकबर अकबर अजीम था यानी उनके अंडर किस तरह से तौसी हुई मुस्लिम हुक्मरानी के अंदर। अकबर आजम को मुगल हुक्मरानी को पूरे हिंदुस्तान में जो है वो मुस्तहकम करने का क्रेडिट दिया जाता है और हिंदुस्तान उनकी मजहबी जो रवादारी थी हिंदुस्तान में इंतजाम असलाहत थी उनकी एक बड़ी डाइवर्स सल्तनत को उन्होंने इसके जरिए मुतहद किया। उन्होंने राजस्थान गुजरात बंगाल दक्कन को फतह करके हिंदुस्तान के बड़े हिस्सों को मुगल कंट्रोल में ले लिया था। उसके बाद हम देखते हैं कि मुगल सल्तनत का अरूज किस तरह से हुआ और उसके बाद फिर जवाल। तो मुगल सल्तनत जो थी वो इसमें शाहजहां और औरंगजेब के दौर में ये अपने अरूज के ऊपर पहुंची थी और औरंगजेब की जब वफात हुई तो उसके बाद सल्तनत जो थी वो दाखिली तनाजात उनके बगावतों और जो मराठास थे यानी उनकी लड़ाई की वजह से जो है ये उनके ताकतों के अरूज की वजह से ये मुगल अंपायर कमजोर होने लगी और इसका जवाल शुरू हो गया। तो 1857 में बरतानवी हुकूमत ने मुगल सल्तनत के जो आखिरी बादशाह थे बहादुर शाह जफर यानी उनको जलावतन कर दिया था जिसके बाद मुगल सल्तनत का खात्मा हो गया। तो अब हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंट रूलर्स कौन से थे यानी कौन से अहम खानदान थे हुक्मरान थे जिन्होंने हुक्मरानी की बरे सगीर के ऊपर और गुलाम खानदान के अहम हुक्मरान देखेंगे और मुगल हुक्मरान देखेंगे मुगल खानदान के कौन कौन से हुक्मरान थे जिन्होंने हुकूमत की। तो जो सबसे पहले हम गुलाम खानदान के अहम हुक्मरान देख लेते हैं उनमें है कुतुबुद्दीन ऐबक और गुलाम खानदान के ये बानी इनको कहा जाता है और दिल्ली का पहला सुल्तान। तो उन्होंने कुतुब मीनार और कुवतुल इस्लाम मस्जिद की तमीर का आगाज किया था। उसके बाद गुलाम खानदान में जो दूसरा यानी बादशाह था वो अल्तमाश था। अल्तमाश जो था वो उसने सल्तनत को मजीद मुस्तहकम किया उसके हदूद को उसने मजीद वसी किया और इक्ता निज़ाम उन्होंने जो है वो मुतारिफ करवाया था जो हिंदुस्तान में मुस्लिम ताज हुक्मरानी की एक अहम खसूसियात भी थी। उसके बाद अब्बासी खिलाफत ने उन्हें जायज़ हुक्मरान के तौर पर तस्लीम भी किया जिसे सियासी तौर पर जो उनकी लेगिटिमेसी थी यानी जायजियत थी वो उन्होंने हासिल कर ली। इसके अलावा इस खानदान में जो हुक्मरान थी वो रजिया सुल्ताना थी जो दिल्ली की पहली वाहिद खातून सुल्तान थी और उनकी सलाहियतों के बावजूद उन्हें जो है वो तुर्की के कुछ अशराफिया की जानिब से जो है वो मज़ाहमत का मुखालफत का सामना करना पड़ा था। उसके बाद इस खानदान में शामिल थे गयासुद्दीन बलबन वो अपने सख्त यानी नज्म व नस्क की वजह से फौज असलाहत की वजह से मशहूर थे। उन्होंने बरे सगीर में जब हुक्मरानी की तो फौजी असलाहत उन्होंने की थी और उनका जो भी यानी निज़ाम था गवर्नेंस का वो काफ़ी सर्टेक था और एक मरकजी इंतजामिया उन्होंने कायम की और जो सुल्तानी लिहाज से यानी इख्तियार था उसका तसव्वुर इंट्रोड्यूस करवाया यानी जहाँ सुल्तान खुदा का जो नुमाइंदा था वो तसव्वुर किया जाता था। और मुगल सल्तनत के जो यानी इम्पोर्टेंट रूलर्स थे अब गुलाम खानदान के बाद हम देखते हैं मुगल अम्पायर के कौन कौन से अहम सुल्तान थे। मुगल सल्तनत के जो बानी थे यानी वो बाबर थे अपनी उनकी याददाश्तों में है बाबर नामा वो इसके लिए मशहूर हैं और इसके अलावा उन्होंने हिंदुस्तान में फारसी सकाफत को भी यानी इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद जो अकबर आजम थे एक मौसर मरकजी इंतजामिया उन्होंने कायम की थी देन इंट्रोड्यूस द मास्टदारी सिस्टम एंड जबत लैंड रेवेन्यू सिस्टम प्रमोटेड अ पॉलिसी ऑफ सिवल कुल यूनिवर्सल टॉलरेंस एंड अबॉलिश द जुजिया टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम्स और मौसर मरकजी इंतजामिया उन्होंने कायम की थी मनसबदारी निज़ाम कायम किया था जब्त मौसलाती निज़ाम इंट्रोड्यूस करवाया था बर सगीर के अंदर। उन्होंने जैने सुलह कुल मीन के आलमी रवादारी की पॉलिसियों को प्रमोट किया था और गैर मुस्लिमों के ऊपर जो जुजिया टैक्स था उसको ख़त्म कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं शाहजहां की क्या पॉलिसियाँ रहीं। शाहजहां फन तमीर के सरपरस के तौर पर यानी बहुत ज़्यादा मशहूर थे फन तमीर में उन्होंने यानी बहुत अपना कंट्रीब्यूशन किया बर सगीर के मुसलमान हुक्मरानी के दौरान उन्होंने जो है वो ताजमहल तमीर किया उनकी बीवी मुमताज़ महल की याद में ये बनाया गया था और उसके बाद दिल्ली में उन्होंने लाल किला भी तामीर करवाया और इसके अलावा जामे मस्जिद जैसे जो मशहूर यादगारें हैं वो भी उन्होंने तामीर करवाई। देन देखते हैं कि औरंगजेब जो मुगल अम्पायर के बादशाह थे सुल्तान थे उनको सल्तनत उन्होंने अब उनकी जो सल्तनत थी उनको बड़ी हद तक वसी किया और उनकी सख्त जो इस्लामी पॉलिसियाँ थी उनकी वजह से उनको मजहमत का भी सामना करना पड़ा।
So his long reign saw increasing discontent among non-Muslims, especially the Marathas and Rajputs, contributing to the eventual decline of the Mughal Empire. तो उनकी तवील दर हुकूमत में जो गैर मुस्लिम थे, खासतौर पर जो मराठे थे या राजपूत थे, उनमें काफी बेचैनी बढ़ी और फिर उससे मुगल सल्तनत के जवाल में इजाफा हुआ। फिर हम देखते हैं कि मुस्लिम तहजीब की रूह और विरसा, उनके सकाफती और मजहबी असरात क्या रहे। मुस्लिम रूल इन इंडिया ब्रॉट टुगेदर पर्शियन, सेंट्रल एशियन एंड इंडियन ट्रेडिशंस, क्रिएटिंग अ यूनिक इंडो इस्लामिक कल्चर। सूफी सेंट्स लाइक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया played a vital role in spreading Islam in India through Sufism, promoting peace and harmony. तो मुस्लिम हुक्मरानी के दौरान जो फारसी थी और वस्ती एशियाई और बाकी जो हिंदुस्तानी रवायात थी, उनके मिलाप से एक मुनफरद हिंदू इस्लामी सकाफत यानी बनी थी। और सूफी जो बुजुर्ग थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन जैसे, निजामुद्दीन औलिया जैसे बुजुर्ग, उन्होंने हिंदुस्तान में सूफीज़म के जरिए इस्लाम फैलाने में बहुत अहम किरदार अदा किया, जो अमन और आहमहंगी को भी का भी पैगाम देता था। अब वो देखते हैं हम आर्ट और आर्किटेक्चर किस तरह से रहा बरसगीर में मुस्लिम हुक्मरानी का, उनकी फन और उनकी फन तामीरात क्या थी। तो मुस्लिम हुक्मरान, खास तौर पर जो मुगल खानदान था, फन और फन तामीर में अपने कारनामों के लिए बहुत मशहूर था। और मुगल फन तामीर ने फारसी और इसके अलावा हिंदुस्तानी और इस्लामी तर्जों को मिलाकर एक बेहतरीन, एक यानी शानदार यादगारें तख्लीक की, जिसमें है ताजमहल और जो कि शाहजहां ने तामीर करवाया, हुमायूं का मकबरा जो कि मुगल फन तामीर की पहली मिसाल है। उसके बाद हम देखते हैं लिटरेचर और लैंग्वेज को, जो बरे सगीर के मुस्लिम हुक्मरानी के दौरान अदब क्या रहा और जबानें कौन कौन सी इस्तेमाल होती रहीं। तो फारसी जो थी वो दिल्ली सल्तनत और मुगलों के दौर में यानी दरबार की जबान थी और उसने हिंदुस्तानी जबानों पर काफ़ी असर डाला। Then Urdu, a mixture of Hindi and Persian, emerged during the Mughal period and become a significant language of the literature and poetry. और उर्दू जो हिंदू और फारसी का एक मिलाप है, एक इम्तजाज है, तो मुगल दौर में ये ज़्यादा राइज हुई थी और अदब और शायरी की एक अहम जबान बन गई। सो फिर हम देखते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अंडर मुस्लिम रूल, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत फॉलो आर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन एम्पायर वॉज डिवाइडेड इन टू इक्ता मीन प्रोविंसेस एंड इट गवर्न्ड बाय मक्ती और वली, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग ऑर्डर एंड कलेक्टिंग रेवेन्यू। तो मुस्लिम हुक्मरानी के तहत अवामी इंतजाम किस तरह से था, दिल्ली सल्तनत का इंतजामी निज़ाम किस तरह से संभाला जाता था। दिल्ली सल्तनत एक मरकजी इंतजामिया के ऊपर मबनी थी और सल्तनत को इकताम इन सूबों में तकसीम किया गया था, जिन्हें एक मुक्ती या फिर एक वली जो था उसके ज़ेर इंतजाम रखा जाता था, और जो अमन और अमान कायम रखने के लिए जिम्मेदार होता था मैं, और बाकी जो रेवेन्यू यानी कि कलेक्ट करने का भी जिम्मेदार होता था। अब रेवेन्यू सिस्टम किस तरह से था, जो इब्तदाई निज़ाम था यानी इब्तदाई महसूलती निज़ाम की एक शक्ल थी, जिसमें अफसरान की को जो है वो तनख्वाह के बदले में ज़मीन दी जाती थी और वो उन ज़मीनों से फिर टैक्स जो है वो वसूल करते थे। देन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसमें जो मुगल इंतजामिया थी, मुगल एक इंतहाई मरकजी यानी हकूमत रखते थे और जिसमें शहनशाह को मुकम्मल इख्तियार हासिल होता था। देन इस में मुस्लिम हुक्मरानी के दौरान जो मांसदारी का निज़ाम था वो किस तरह से चलाया जाता था, तो ये निज़ाम जो था ये अकबर ने इंट्रोड्यूस करवाया था बरसगीर में, जो एक फौजी और इंतजामी निज़ाम था। और इसमें क्या था कि जो ओहदे थे, ओहदेदारों को उनकी जो वफादारी और सलाहियत थी उसकी बुनियाद के ऊपर उनकी रैंक उनको किया जाता था, उनकी दर्जा बंदी की जाती थी। देन ईच मांसदार वाज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ सर्टेन नंबर ऑफ सोल्जर्स एंड हॉर्सेस फॉर द एम्पायर, और हर मांसदार को सल्तनत के लिए एक मखसूस तादाद में फौजियों और घोड़ों को बरकरार रखना होता था। और इसमें जो बरसगीर के अंदर मुस्लिम हुक्मरानी के दौरान जो रेवेन्यू सिस्टम था, तो अकबर के दौर में जो जब्त नामी एक मुनज़्ज़म रेवेन्यू सिस्टम था जिसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था, और इसमें सिस्टम में क्या था कि जो ज़मीन की पैदावारी सलाहियत थी उसके हिसाब से टैक्स वसूली के निज़ाम को मियारी बनाया गया था। और उसके बाद हम देखते हैं उसका जुडिशल सिस्टम। जुडिशल सिस्टम वाज बेस्ड ऑन इस्लामिक लॉ बट इन सम केसेस लोकल लॉज वर रिस्पेक्टेड स्पेशली इन मुस्लिम रीजंस, काज़ी वर अपॉइंटेड एज जजेस टू रिजॉल्व लीगल डिस्प्यूट्स। तो अदालती निज़ाम कुछ इस तरह से था कि इस्लामी कानून को फॉलो किया जाता था, लेकिन कुछ सूरतों में जो मकामी कवानीन थे उनका भी एहतराम किया जाता था। उन इलाकों में खासतौर पर जहाँ पर जो गैर मुस्लिम थे उनकी आबादी ज़्यादा थी, तो उन
गैर मुस्लिम की वजह से जो मकामी कवानीन थे उनको भी नाफिज किया जाता था और काजी जो थे वो जज के तौर पर उनको मुकर्रर किया जाता था ताकि जो भी कानूनी तनाजात हैं उनको इन जजेस के जरिए हल किया जा सके। देन मुस्लिम रूल इन इंडिया प्रोफाउंडली शेप्ड द पॉलिटिकल कल्चरल एंड सोशल लैंडस्केप्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ द मुस्लिम एम्पायर्स बाय दिल्ली सल्तनत टू द गोल्डन एज ऑफ द मुगल एम्पायर दिस पीरियड लेफ्ट एन एंड्यूरिंग लेगेसी इन इंडिया आर्किटेक्चर एडमिनिस्ट्रेशन लैंग्वेज एंड कल्चरल फ्यूजन। सो मुस्लिम रूल ऑल्सो इंट्रोड्यूस सिग्निफिकेंट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस दैट इन्फ्लुएंस फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अंडर द ब्रिटिश एंड बियॉन्ड। बरसगीर में जो मुस्लिम हुक्मरानी थी उसने इस खित्ते की सियासी सकाफती और समाजी जो साख्त थी स्ट्रक्चर था उसको उसने गहराई से मुतासर किया था और दिल्ली सल्तनत की जो मुस्लिम सल्तनत थी उसके क्याम से लेकर मुगल सल्तनत के दौर तक इस दौर ने हिंदुस्तान की फन तामीर उसकी इंतजामिया जबान और जो सकाफती इम्तजाज था उसमें काफ़ी गहरा असर छोड़ा और फिर मुस्लिम हुक्मरानी ने ऐसे इंतजामी निज़ाम भी मुतारफ़ करवाए। इसके अलावा जो मुस्लिम हुक्मरानी ने ऐसे निज़ाम भी मुतारफ़ करवाए थे बरसगीर में जो बाद में जो बरतानवी राज कायम हुआ था बरसगीर के ऊपर और उससे आगे तक के इंतजामी निज़ामों के ऊपर भी वो असरअंदाज होते रहे। देन हम देखते हैं कि मुस्लिम रूल इन इंडिया में जो गवर्नेंस का निज़ाम किस तरह से था, उनकी इकॉनमी की क्या हालात थे और एडमिनिस्ट्रेशन क्या थी। सो मुस्लिम रूल इन इंडिया brought significant transformations in the political, social, economic and administrative structure of the region from the time of Delhi Sultanate and the Mughal Empire. Rulers introduced reforms that influenced Indian society, economy and governance for centuries. तो बरसगीर पाकोहिंद में जो भी मुस्लिम हुक्मरानी थी उनका तर्ज हुक्मरानी, उनकी मईशत और इंतजामिया, तो बरसगीर में मुस्लिम हुक्मरानी ने खित्ते के जो सियासी और समाजी माशी और इंतजामी ढांचे थे या स्ट्रक्चर थे उसमें काफ़ी तब्दीलियाँ लाई थी क्योंकि मुसलमानों ने 1000 साल से भी ज़्यादा अरसे की बरसगीर के ऊपर हुक्मरानी की थी तो उनके जो तमाम निज़ाम के अंदर असरात नज़र आते थे और तो हिंदुस्तानी माशरे में मईशत और इसके अलावा जो हिंदुस्तानी माशरा है या मईशत है या हुक्मरानी है उस तमाम निज़ाम जो है वो काफ़ी सदियों तक मुतासर होता रहा। हम इसमें देखेंगे कि सियासी निज़ाम क्या था, मुआशी तरक्की किस तरह से हुई थी और तिजारत का निज़ाम क्या था, फिर मालियाती इंतज़ाम को भी देखेंगे, सिविल और फौजी स्ट्रक्चर के भी अहम पहलू देखेंगे। सो सुल्तान किंग्स एंड द सिस्टम ऑफ द गवर्नेंस द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड रोल ऑफ द सल्तनत एंड किंग्स टाइटल यूज्ड बाय द मुस्लिम रूलर्स प्राइमरी इन द दिल्ली सल्तनत एंड द लेटर सम रीजनल किंगडम्स लाइक बंगाल एंड द कन सल्तनत द सुल्तान हेल्ड द एब्सोल्यूट अथॉरिटी ओवर द स्टेट। मुस्लिम हुक्मरानों का ये जो लकब था खास तौर पर यानी सुल्तान का दिल्ली सल्तनत के दौर में और बाद में जो बंगाल और दक्कन के इलाकाई यानी रियासतें थी उनके अंदर यानी इस्तेमाल होता था और सुल्तान को रियासत पर मुकम्मल इख्तियार हासिल था। तो मुग़ल बादशाह जो थे 1526 में यानी बाबर के बाद मुग़ल अपने हुक्मरानों की जो को वो बादशाह कहते थे और वो अपने मरकजी इंतज़ामिया और इसके अलावा जो उनकी डिप्लोमेसी थी, सफारतकारी और सल्तनत साजी की जो भी हिकमत अमलिया थी उनके हवाले से बहुत मशहूर थे। फिर हम देखते हैं कि सोशल और जुडिशल सिस्टम क्या था, उनका समाजी निज़ाम किस तरह से था, अदालती निज़ाम क्या था। तो जो भी समाजी दर्जाबंदी थी मुस्लिम हुक्मरानी के दौरान जो जगीरदारी निज़ाम था वो इंट्रोड्यूस हुआ जिसमें फिर अशराफिया और बाकी जो हुकाम था उनकी खिदमत के बदले उनको ज़मीन दी जाती थी बादशाह की तरफ से और मुआशरा तबकात में काफ़ी तकसीम हो चुका था जिसके अंदर यानी स्कॉलर्स थे, उलमा थे, अशराफिया था, ताजरान थे और किसान भी इस मुआशरे में शामिल थे। उसके बाद उलमा जो थे वो इस्लामी उलमा को कानूनी और मजहबी मामलों में खासी अहमियत हासिल थी। सूफियों ने रूहानियत और अवामी फलाह के ऊपर जोर दिया और इस्लाम की तबलीग में बहुत अहम किरदार अदा किया। उसके बाद उनका जुडिशल सिस्टम है, जस्टिस वाज एडमिनिस्ट्रेटेड अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ ऑल्दो लोकल कस्टम्स वर रिस्पेक्टेड इन मेनी रीजन स्पेशली अंडर द मुगल्स। इस्लामी कानून के मुताबिक इंसाफ फराहम किया जाता था अगर कई इलाकों में मकामी जो रस्म रिवाज थे लेकिन उनका भी एहतराम किया जाता था ख़ासतौर पर जो मुग़ल अम्पायर थे मुग़ल अम्पायर के दौरान। और उसके बाद जो काजी थे यानी इस्लामी जो जज ये मुकर्रर किए जाते थे जो अदालतों की निगरानी भी करते थे और इंसाफ भी फराहम करते थे, वो मुजरमाना और बाकी जो दीवानी यानी मुकदमात होते थे क्रिमिनल और सिविल केसेस तो इनकी समाअत करते थे और जो ज़ाती और ख़ानदानी
जो भी मामलात होते थे उसमें इस्लामी कानून का इस्तेमाल करते थे, उनका इतला करते थे, जबकि हिंदुओं के जो मामलात था उन मामलात थे उनमें उनके अपने कानून का एहतराम किया जाता था, जो भी हिंदुओं के कानून थे सो उनके मुताबिक उनको डील किया जाता था। मुकदमात की जो अपील थी और जो सालसी थी, लोग संगीन नाइंसाफी की सूरत में क्या करते थे कि बराह रास्त सुल्तान से या बादशाह से अपील कर सकते थे। सो नेक्स्ट हम देखते हैं उनका सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल और फौजी इंतजामिया किस तरह से थी। तो सिविल निज़ाम के अंदर मुस्लिम हुक्मरानों ने एक मरकजी तर्ज हुक्मरानी इख्तियार की थी, सल्तनत को सूबों यानी जिस तरह से इजलात थे और बाकी जो देहात थे उनमें तकसीम किया गया था, और इसमें क्या किया जाता था कि हर सतह के ऊपर ऑफिशल्स को यानी हुकाम को मुकर्रर किया जाता था। उसके बाद वाली या सूबेदार होते थे सूबों के गवर्नर, और इसके अलावा मुक्ति या फिर फौजदार थे यानी इजला के जो मुंतजमीन थे, जो इंतजामिया थी, जो कानून और इंतजाम के जिम्मेदार होते थे, और उसके बाद जो इसके अंदर फौजी निज़ाम था, मिलिट्री सिस्टम था। तो मुस्लिम हुक्मरानों ने अपने इलाकों के दिफा के लिए और सल्तनत को बढ़ाने के लिए मजबूत और मुनज़म फौजें बनाई थी। उसके बाद जो इसके अंदर मंसबदारी का निज़ाम आया था ख़ासतौर पर मुग़ल दौर में, तो अकबर के तहत, तो मंसबदारी निज़ाम के तहत जो फौजी अफसरान थे उनकी जो हैसियत थी और उनके जो भी यानी ज़ेर कफालत फौजी थे उनकी तादाद की बुनियाद के ऊपर उनकी दर्जाबंदी की जाती थी। और उसके बाद इसके अंदर सवार था और प्यादा फौज था, यानी मुग़ल फौज में ज़्यादातर जो सवार थे फौजी यानी घोड़ सवार वो शामिल होते थे, जो फौज का मुजर तरीन हिस्सा समझा जाता था, और जो प्यादा यानी फौज थी उसमें जो पैदल सिपाही थे और तोपखाना, ये तोपखाने वगैरह ये इसके अंदर शामिल थे। सो देन हम देखते हैं कि बरे सगीर की मुस्लिम हुक्मरानी के दौरान सन्नत, तिजारत और कारोबार किस तरह रहा, मुस्लिम हुक्मरानों की सरपरस्ती किस तरह रही इन तमाम यानी हालात के ऊपर, मामलात के ऊपर, सन्नत के ऊपर, तिजारत के ऊपर और कारोबार के ऊपर। तो ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री, मुस्लिम रूलर्स इनकरेज क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्री स्पेशली ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। सन्नत की तरक्की हुई थी मुस्लिम हुक्मरानों के दौरान, सन्नत और हिरफत, मुस्लिम हुक्मरानों ने जो है सन्नत के अंदर काफ़ी तरक्की दिलवाई थी, उनकी उन्होंने काफ़ी हौसला अफजाई की सन्नत की, खासतौर पर मुग़ल दौर में बहुत ज़्यादा इसकी हौसला अफजाई की गई थी। जो टेक्सटाइल था यानी जो कपास थी और रेशम की जो सन्नत थी उसको यानी सरकारी सतह के ऊपर काफ़ी बादशाह की तरफ से सरपरस्ती हासिल थी, और हिंदुस्तान जो के अंदर जो बेहतरीन मलमल कपड़े के लिए काफ़ी ये मशहूर था ख़ासतौर पर बंगाल के अंदर। इसके अलावा धात साजी थी यानी असला वगैरह, बर्तन और बाकी जेवरात, ये जो जदीद यानी टेक्नोलॉजी थी उसके ज़रिए इनको बनाया जाता था। और इसके अलावा जो यानी कि काफ़ी मशहूर इलाके थे बेदर और जयपुर, ये इस तरह के शहर जो थे वो धात साजी के मरकज़ बन गए थे। इसके बाद इसमें कारपेट्स और हैंडीक्राफ्ट का भी यानी सिस्टम था, कालीन वगैरह, मिट्टी के बर्तन और नफीस जो भी हाथ से बनी हुई चीज़ें होती थी, दस्तकारी, तो मुग़ल दौर में काफ़ी ये बड़ी थी और उसके नमूने जो थे वो फारसी और वस्त एशियाई फन से काफ़ी मुतासर थे। उसके बाद हम ट्रेड एंड कॉमर्स का निज़ाम देखते हैं मुग़ल अम्पायर मुस्लिम हुक्मरानी के दौरान, तिजारत और कारोबार उन्होंने किस तरह से बढ़ाया। बिन अक्वामी जो तिजारत थी उन्होंने की बहुत सारे ममालिक के साथ, मुस्लिम हुक्मरानों ने मशरक़ वस्ता के साथ, वस्ती एशिया के साथ, जुनूब मशरक एशिया से अपने ताल्लुकात के ज़रिए उन्होंने जो है वो बैन अक्वामी तिजारत को उन्होंने फ़रोग दिया था। हिंदुस्तानी जो अशिया थी जैसे मिसाले वगैरह, कपड़े और बाकी जवाहरात वगैरह थे वो इन इलाकों को बरामद किए जाते थे। देन सिल्क रोड है, हिंदुस्तान सिल्क रोड तिजारत के नेटवर्क में अहम किरदार अदा करता था, जो उसे चीन और यूरोप से मिलाता था। और इसके अलावा इसमें जो सूरत और कोलकाता जैसे जो बंदरगाहें थीं वो गैर मुल्क की तिजारत में काफ़ी अहम किरदार अदा करती थी, और बहरी तिजारत भी काफ़ी थी हिंदुस्तान के अंदर। हिंदुस्तानी जो भी गुड्स थी समंदरी रास्तों से वो तिजारत उनकी की जाती थी, अरब दुनिया और यूरोप के ताजर हिंदुस्तानी बंदरगाहों से बड़ी सतह के ऊपर ये कारोबार करते थे। फिर डोमेस्टिक ट्रेड भी जारी रही, अंदरून मुल्क तिजारत भी होती रही मुस्लिम हुक्मरानी के दौरान बरे सगीर में, दिल्ली सल्तनत, मुग़ल दौर में दिल्ली, लाहौर, आगरा और इसके अलावा जो बंगाल जैसे शहर थे ये अहम तजारती मराकज़ थे। उसके बाद जो मार्केट्स का निज़ाम था बरसगीर में, तो तिजारत के जो मुतहरिक मराकज़ थे मार्केट्स,
और जहाँ ताजरान जो थे वो मुख्तलिफ गुड्स को फरोख्त करते थे, जिनमें कपड़े से लेकर मिसाले तक की तमाम चीज़ें इसके अंदर शामिल थी। देन ईच सिटी हैज इट्स स्पेशलाइज्ड मार्केट्स फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स, हर शहर में मुख्तलिफ मसनूआत के लिए मखसूस बाजार होते थे। देन करेंसी एंड कॉइन्स, द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू कॉइन्स हेल्प इन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ट्रेड, गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स वर मिंटेड बाय रूलर्स लाइक शेरशाह सूरी एंड द मुगल्स, कंट्रीब्यूटिंग टू अ मोर रेगुलेटेड इकॉनमी। और इसके अलावा इसमें नए सिक्कों का इजरा हुआ था, इसने तिजारत को काफ़ी आसान बनाया। सोना चांदी और तांबे के जो सिक्के थे इनके हुक्मरान जैसे शेरशाह सूरी और मुगल थे, उन्होंने ये जारी किए थे, जिससे मईशत को मजीद मुनज़्ज़म किया गया और यानी तिजारत के अंदर मजीद आसानी पैदा हो गई थी। इन सिक्कों के बदले कोई भी जो चीज़ थी वो खरीदी जा सकती थी। और इससे पहले सिक्कों के इजरा से पहले जो है वो चीज़ों का चीज़ों से तबादला होता था, तो उसके बाद ताजरों और कारीगरों की उन्होंने यानी कि सरपरस्ती की इन तमाम कारोबार की। मुस्लिम हुक्मरानों ने ताजरों की बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की, उन्हें तहफ़ दिया, उनकी सरपरस्ती की, उन्हें चाहे वो मकामी ताजर हों चाहे वो फॉरेन जो है वो ट्रेडर हों, तो सब की जो है वो सरपरस्ती की गई थी। और इसके अलावा जो गैर मुल्की ताजर थे उनमें शामिल थे अरब ताजर, तुर्की से आते थे, बाद में यूरोपी जो पुर्तगाल, डिच और बरतानवी ताजरों ने इस दौर में हिंदुस्तान के साथ बड़ी सतह के ऊपर तिजारत की थी। और इसके अलावा इसमें इसके अंदर गिल्ड्स और कम्युनिटीज थी, यानी ताजरों ने गिल्ड्स और तजारती बरादरियाँ बनाई थी, जिसे बोहरा और खोजा जिन्हें अक्सर खास मरा दी जाती थी। सो नेक्स्ट हम देखते हैं इनका फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन अंडर मुस्लिम रूल, उनका माली इंतजाम किस तरह से था मुस्लिम हुक्मरानी के दौरान। हुक्मरानी का ये बहुत अहम हिस्सा था, यानी मालियाती जो इंतज़ाम था, ज़मीन से हासिल होने वाले जो भी रेवेन्यू था वो रियासत की आमदनी का बुनियादी उस वक्त जरिया होता था। और उसके बाद इसमें इक्ता सिस्टम था, यानी दिल्ली सल्तनत के अंदर इक्ता निज़ाम जो था वो दिल्ली सल्तनत के दौरान इंट्रोड्यूस हुआ था। और इस सिस्टम के अंदर जो इक्तादार थे, मुक्ति थे, उनको मखसूस इलाके दिए जाते थे जहाँ से वो रेवेन्यू जमा करते थे, और मुक्ति को अपने इकदाम में अपने इलाके में कानून और इंतज़ाम बरकरार रखना होता था, ज़रूरत पड़ने पर सुल्तान को फौजी इमदाद भी फराहम करना होती थी। उसके बाद इसमें जब्त का निज़ाम भी था, जब्त जो था मीन के एक ज़मीन की पैमाइश और जो भी महसूलात वगैरह था, रेवेन्यू था, उसकी वसूली का एक निज़ाम था, और जिसमें क्या होता था कि ज़मीन की पैमाइश की जाती थी और पैदावार की बुनियाद के ऊपर टैक्स उनके उसके ऊपर आयद किया जाता था। ठीक है, सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो किसान थे उनकी पैदावार का एक जो मुकर्रर हिस्सा था वो आमतौर पर एक तिहाई होता था बतौर टैक्स जो उनको अदा करना होता था, तो रियासत के अफसरान उसको जमा करते होते थे। और अकबर के जो वजीर ख़जाना थे राजा टोडरबेल, उन्होंने इस निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाया, जिससे ये ज़्यादा मौसर बना और मज़ीद यानी ये जो है वो म्यारी बन गया, स्टैंडर्डाइज किया यानी अकबर के वजीर ख़जाना ने। उसके बाद इसमें काफ़ी टैक्स की पॉलिसियाँ बनाई गईं, टैक्सेशन की पॉलिसियाँ थी, दिल्ली सल्तनत और मुगल सल्तनत ने मुख्तलिफ टैक्स आयद किए थे, उनमें खराज टैक्स था, यानी ज़राई पैदावार के ऊपर आयद किया जाने वाला जो ज़मीन का टैक्स था उसको खराज टैक्स कहा जाता था। इसके अलावा इसमें था जुजिया, ये ऐसा टैक्स था जो दिल्ली सल्तनत के दौरान गैर मुस्लिम के ऊपर आयद किया जाने वाला था, और जिसे अकबर ने अपनी मजहबी रवादारी की पॉलिसी के तहत इसको ख़त्म कर दिया था। इसके अलावा इसमें कस्टम ड्यूटीज थी, मीन बाजारों में और बंदरगाहों में तिजारत की जाने वाली गुड्स पर अशिया पर वसूल की जाने वाली वसूलात को कस्टम ड्यूटीज कहा जाता था। अब रियासत खजाना और अखराजात किस तरह से थे, रियासत का जो खजाना था वो सल्तनत की दौलत को संभालने का जिम्मेदार था, जो हुकूमत और फौजी कार्रवाइयों के लिए वसाइल भी फराहम करता था। सो रेवेन्यू वाज स्पेंट ऑन पब्लिक वर्क्स लाइक रोड बिल्डिंग, मिलिट्री कैंपेन्स एंड मेंटेनिंग द रॉयल कोर्ट। जो भी यानी मसूलात का इस्तेमाल था वो अवामी फलाह के लिए इस्तेमाल होता था, अवामी जो भी फलाही मंसूबे थे, जिस तरह से सड़क की तमीर करना, बाकी फौजी कंपेन्स जो भी अवाम की प्रोटेक्शन के लिए थी, और शाही दरबार था उसकी देखभाल के ऊपर ये तमाम टैक्स जो है वो खर्च किया जाता था। अवामी जो फलाह के मंसूबे थे यानी मुगल हुक्मरान जैसे अकबर और शाहजहाँ ने मसाजिद, किले और अवामी अमारात की तमीर के ऊपर भारी रकम खर्च की थी। सो मुस्लिम रूल जो था इंडिया में वो एक कम्प्लेक्स, एक पेचीदा तर्ज हुक्मरानी की एक मिसाल थी, और इसमें इस्लामी असूलों के जो मकामी रवायात थी उनके साथ मिलाकर उनको जो है वो इस्तेमाल किया जाता था। सुल्तान एंड किंग्स डिवेलप हाईली ऑर्गेनाइज्ड सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशंस,
विद एन एम्फेसाइज ऑन जस्टिस, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड ट्रेड। और इसमें जो यानी के बादशाह होते थे सलातीन होते थे, उन्होंने इंतजामी इंतहाई मुनज़म सिविल और फौजी इंतजामिया कायम की थी, जिसमें उन्होंने इंसाफ को यकीनी बनाया, उन्होंने मुआशी खुशहाली के लिए काम किया, तजारत के ऊपर उन्होंने जोर दिया। इसी दौर में उन्होंने सनत को फरोग दिया, तजारत को बढ़ाया, कारोबार को मजीद तरक्की दी और हिंदुस्तान जो था वो मशरकी और मगरबी मार्केट्स के लिए एक अहम तजारती मरकज बन गया था। सो अंडर मुस्लिम पेट्रोनेज इंडिया बिकम अ सेंटर फॉर आर्ट्स क्राफ्ट्स एंड ट्रेड कनेक्टेड टू बोथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मार्केट्स। तो इसमें रियासत के जो भी हिंदुस्तान के मशरक के मगरबी यानी के जो भी मंडियां थी मार्केट्स थी वो बहुत तिजारत का एक बहुत बड़ा मरकज थी, जिसमें यूरोप से अरब से तुर्की से जो ताजर आते थे और हिंदुस्तान के साथ तिजारत करते थे, तिजारत एक बड़ी सतह के ऊपर होती थी। फिर माली इंतजामिया जो थी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में वो इसमें एकता का निज़ाम था, जब्त का निज़ाम था, इस तरह के निज़ाम थे जो रियासत की फौजी और इंतजामी जरूरियात को पूरा करने के लिए मुस्तकिल आमदनी का बंदोबस्त करते थे। और इसके अलावा इसमें टैक्स ट्रेड ड्यूटीज़ जो थी तिजारत के मसूलात वगैरह रियासत के जेर कंट्रोल संतों ने मीशत की तरक्की में भी बहुत अहम किरदार अदा किया था। सो मुख्तसर ये कि मुसलमान हुक्मरानी ने हिंदुस्तान के जो भी सियासी समाजी और मुआशी निज़ाम था उस पर काफ़ी गहरा असर डाला था। और इसके अलावा इसमें जो मुग़ल सल्तनत थी उसके जवाल के बाद भी ये जो हेरिटेज था हिंदुस्तान की हुक्मरानी और सकाफत को ये मुतासर करता रहा। सो एम्फसाइज ऑन सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेड एक्सपेंशन इन अ स्ट्रॉन्ग विल बी सेट द फाउंडेशन फॉर फ्यूचर गवर्नेंस इन इंडिया। सो हमने डिस्कस किया है बरसगीर पाक व हिंद में मुस्लिम हुक्मरानी का क्या निज़ाम था, उनकी सकाफत, उनका अदालती निज़ाम किस तरह से था, उनमें तिजारत को किस तरह से फ़रोग दिया गया, कारोबार किस तरह से किया जाता था। सो इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।